इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का। राशि आपको कब प्राप्त हुई थी विभाग को और जितना अभी आपने वितरण किया है उसमें कितने दिन लगे हैं और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे, जबकि आपका इसी प्रकार की स्थिति सिवान एनएच 227 ए की है, इसी प्रकार की स्थिति कटिहार का एनएच 131 ए का है, इस प्रकार से दर्जनों एनएच की सड़कें भू अर्जन पदाधिकारियों के सुस्ती के कारण फंसे हुए हैं। और महोदय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40,82,45,422 रुपया तो कुल जो है इनका पश्चिम चंपारण एनएस 727 के लिए आया था, लेकिन उसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23,67,00,000 रुपया ये सरकारी भूमि का पैसा था, मात्र 17 करोड़ रुपया ही जो है भू स्वामी को भुगतान करना था, और इस 17 करोड़ रुपया में हमने 4,81,41,019 रुपया भुगतान कर दिया है, और जो पैसा अभी भुगतान नहीं हुआ है, जो चिंता माननीय सदस्य का है कि अभी तक ये भुगतान क्यों नहीं किया गया, मेरी भी जानकारी में ये बात आई कि इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है कि आप स्पष्ट कीजिए कि इस भुगतान में इतना देरी क्यों हो रहा है और उसकी प्रतिलिपि। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का हमला। उन्होंने कहा कि कल देश चाहता था बजट पर सार्थक चर्चा, विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा को गिराया है, विपक्ष ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम भी किया है। आइए सुनते हैं। ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूँ कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। दो चीज़ें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है, और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में, बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। तो किरेन रिजिजू को सुन रहे थे आप। इधर आपको बता दें कि मकर द्वार को भी अवरुद्ध करने की शिकायत हुई है। कई सांसद स्पीकर के पास गए थे, गठबंधन की जो नेता है वो वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, मकर द्वार को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया था, और इसी को लेकर शिकायत की गई है। मकर द्वार को आखिर अवरुद्ध क्यों किया गया, कई सांसदों ने स्पीकर से इसको लेकर शिकायत की है। कलिंडी सांसदों ने इस प्रदर्शन किया था और मकर द्वार को अवरुद्ध कर दिया था। देखिए किस तरीके से कल बजट सत्र पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये हो हंगामा, हो हल्ला, ये प्रदर्शन जो है इंडी गठबंधन के सांसदों की तरफ से किया गया था। तख्तियां हाथ में लेकर बैठ गए, बल्कि मकर द्वार को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद अब कई सांसदों ने स्पीकर से शिकायत की है कि आखिर मकर द्वार को अवरुद्ध क्यों किया गया। पैसा उनके इसी समुदाय के उन्नतीकरण के लिए जो हमने
पैसा रखने का बोर्ड में एक व्यवस्था है, उस पैसे को सरकार ने पूरा, कर्नाटक सरकार ने इसका पूरा दुरुपयोग किया है। 189 crores was supposed to be transferred and out of that initially 89 crores transfer करके जो मन में आते हैं उसको बांट के मोडस ऑपरेंडी एक किया है। अगर मेरे अकाउंट में और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये वो भेजते हैं तो उसमें 2,000 रुपये जिसके अकाउंट में वो भेजेंगे वो रखना है, 8,000 रुपये सरकारी जो मंत्री वगैरह 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 जो है उनको वापस देना है। दिस वॉज द मोडस ऑपरेंडी, इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम एंड SIT वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। बट SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी जो मंत्री थे जिसका इस्तीफा लिया था मुख्यमंत्री ने बहुत प्रेशर के बाद, तो उनको इंक्वायरी को नहीं बुलाया, उनको अरेस्ट नहीं किया। जब ED ने एंटर किया सिंस इट वॉज ए मनी लॉन्ड्रिंग, कोई अराजकता नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आप सीख भी जाइए। लेकिन अगर किसी को चोट लगा तो मैं बख्शूंगा नहीं, किसी को बताया कहूँगा। That issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies that who to offset their carbon emissions invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honorable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. Mani Mantri. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उस जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के दो मददगार गिरफ्तार। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, जनादेश का अपमान कर रहा है विपक्ष, बजट पर चर्चा बहुत जरूरी है। तेलंगाना सीएम के बहाने बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, रेड्डी की मेहनत करके राजनीति में आने वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता शहजाद, कहा रेड्डी बार बार राहुल गांधी को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाथरस कांड के बाद एक्शन में DGP प्रशांत कुमार ने जारी की SOP, जिला रेंज और जोन स्तर पर बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम, मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। मनाली में बादल फटने से व्यास नदी अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़, सड़क का एक हिस्सा बह गया, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा, कहा एक साल पहले की थी धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई भी एक्शन। रांची में एक टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई, छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय, समंदर में फंसे चीनी नाविक की जान बचाई, नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी, लगातार बारिश से बढ़ा विहार झील का जल स्तर, भयावह तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के एटा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से गई लाइनमैन की जान, बिजली विभाग ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुणे मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई है, सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित हुआ, मलबा हटाने का काम जारी है। तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने बोला है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं नीतीश कुमार,
ये बहुत निराशाजनक है, ये बड़ा हमला है। क्योंकि आपको बता दें कि कई घोषणाएं तो बजट में की गई थी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है उसे नहीं पूरा किया गया। आर्थिक पैकेज, विशेष पैकेज की बात जरूर की गई उस बजट में जो बिहार के लिए दिया गया, लेकिन चूंकि लगातार शुरुआत से मांग होती रही है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो नहीं हुआ। इसी को लेकर के तंज कसा गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश कुमार पर, क्या कहा सुनिए। अरे ये सब चीज बात तो हम ही ना किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं, कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही, कोई बतवा माने थे। एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा।